के नाम से मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क मिल्लत के बाहिनाज उलमाए किराम व शुरा इजाम तशरीफ फरमा है, मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा, औलादे अली सैयद शादाब हुसैन साहब कबिला नईमी मिंबरे नूर पर जलवा बार है, खतीब हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम तर्जुमानी मसलक आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना सुलेमान साहब कबिला मिंबरे नूर पर जलवा बार हो चुके हैं। और हजरत आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि आप ही की बस्ती के और आप ही के गांव के एक चमकते दमकते खतीब जो आज YouTube पर पूरे मुल्क में और दीगर मुल्कों में भी इनको सुना जा रहा है, हजरत मौलाना कारी इफ्तिखार हुसैन साहब कबिला मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है। और हजरत आज की इस बज़्म के खुसूसी खतीब हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहब कबिला अपनी आराम गाह में तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात मिंबरे नूर पर जलवाबार हो जाएंगे। और हजरत आप अब देख रहे हैं कि आप ही की बस्ती के माशाल्लाह सूफी मिल्लत हजरत मौलाना कारी अल्ताफ हुसैन साहब कबिला माशाल्लाह इसी गांव में और डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद और रामपुर में और महाराष्ट्र की सरजमीन पर भी इनमें ऐसे इल्म के नकूश छिड़के हैं जो उम्मत मुस्लिमा के लिए मिसाल रहा है। आप देख रहे हैं कि अपनी माथे की निगाहों से कारी मोहम्मद अल्ताफ हुसैन साहब कबिला हजरत इसी गांव में बहुत सारे शागिर्द हैं। और हजरत कारी मोहम्मद अल्ताफ साहब के जो शागिर्द हैं माशाल्लाह और जितना इन्होंने पढ़ाया है उतना इन्होंने उनके सीनों में जबान किरा पिला भी दिया है। सुभान अल्लाह, कारी अल्ताफ साहब की खुसूसी मेहनत है कि जितना पढ़ा था, क्योंकि मैंने भी हजरत के साथ में 2 साल मिलजुल में पढ़ाया था माशाल्लाह। चाहे कारी इफ्तिखार साहब हो और एक मौलाना लियाकत साहब हैं, एक बहुत सारे शागिर्द हैं हमारे इस गांव में, लेकिन जितना पढ़ाता है पढ़ाया है कारी अल्ताफ साहब ने माशाल्लाह उनका उतना याद है। और जो आगे पढ़े हैं माशाल्लाह कुछ आलिम दीन हैं, वो मुफ्ती हैं और माशाल्लाह इनके शागिर्दों की तादाद बहुत हो चुकी है माशाल्लाह। और आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि कारी मोहम्मद अल्ताफ साहब माशाल्लाह बहुत ही सूफी बासफा और बहुत नेक इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर इनका साया तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए हमारे सर पर कायम है। आमीन। अब आइए हजरात बिला आखिर के मैं आपको एक ऐसे खतीब से मिला रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मौलाना सुलेमान साहब से मिला पूरी शान खिताबत के साथ बिल्कुल फुल लेस होकर आए हैं। जब ये फूटेंगे तो इंशाल्लाह इनका कोई भी चौका छक्का बाउंड्री के पार जाएगा। मुफ्ती सुलेमान साहब फुल फॉर्म में हैं इंशाल्लाह। लेकिन उससे कबल मैं चंद लम्हों के लिए आप ही की बस्ती के आप ही के गांव के जो आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान की पहचान बने हुए हैं हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इफ्तिखार उल हक साहब कबिला माइक्रोफोन पर तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि फकीर शहर जरा इस सड़क पर धीरे चल चल बोलिए सुभान अल्लाह कि फकीरे शहर जरा इस सड़क पर धीरे चल, अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है, अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है और उजाला देती है बुझे हुए चरागों को जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। और न बादशाही ना खुशनुमाई दे, न बादशाही ना खुशनुमाई दे, फिलहाल जिस पे तड़पते थे वो चटाई दे, या खुदा जन्नत में हमें ऐसी जगह रखना जहां से तेरे महबूब का महल दिखाई दे, जहां से तेरे महबूब का महल दिखाई दे। और फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना वो रोए बाजार हो जिनकी आंखों में, महंगाई का रोना वो रोए बाजार हो जिनकी आंखों में, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। और जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और ये जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो,
मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। आइए हजरत इसी जीते जागते माहौल में देखिए, आप सूरतपुर जमालगंज के रहने वाले हैं और रामपुर की नवाबी मशहूर है, माशाल्लाह रामपुर में लगता है। और हजरत मैं जानता हूं कि जब मेहमान कोई आता है तो उस मेहमान की मेहमान नवाजी कभी चाय से की जाती है, कभी कोल्ड ड्रिंक से की जाती है, कभी अच्छे अच्छे पकवानों से की जाती है। लेकिन ये रामपुर है, सूरजपुर है, ये स्टेज की रिक्वायरमेंट होती है कि स्टेज पर इस माइक्रोफोन पर जब कोई खतीब आता है, कोई सुखनवर आता है, कोई नाज़िम आता है तो उसका इस्तकबाल खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत से किया जाता है। है कि नहीं है ऐसा? जब तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आता है तो बाहर का जाते हैं दुकान पर, कोई कोल्ड ड्रिंक आता है, कोई मीठा लेता आता है। लेकिन हजरत आप जिंदा दिल हैं और आप जानते हैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं कि हमारा आने वाला कोई भी सुखनवर होगा, कोई भी खतीब होगा तो उसका ये वेलकम इस्तकबाल खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत से किया जाएगा। जिंदा दिल होकर, जिंदा दिली के साथ मेरे आवाज के साथ आवाज मिलाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दो दो हाथ दिए हैं, इन दोनों हाथों को हवा में लहराइए और अपने आने वाले खतीब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मौलाना इफ्तिखारुल हक साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने इफ्तिखार, ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, प्यासे खड़े हो जैसे समंदर के सामने। वक्त अब तो कांटे का होगा मुकाबला, मैं खैर ला रहा हूं तेरे शर के साथ।